प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। प्रिय बच्चों, आज हम व्याकरण के सफ़र में पहुंच गए हैं इसके 22वें भाग पर, जो मैंने व्याकरण की सीरीज शुरू की है 0 to 100%। इसमें आज ये 22वां पार्ट है इसका, ठीक है। जो विद्यार्थी, जो भी मेरे व्यूअर्स मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर उनको व्याकरण से, हिंदी व्याकरण से संबंधित कोई परेशानी है, तो इससे पहले के वीडियोज भी देख लें, और जहाँ पर जो टॉपिक है, अगर उस टॉपिक से कोई भी आपको कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है, कोई भी क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में आया हो, तो आप बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप मेल भी कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए आज शुरू करते हैं। कल मैंने पढ़ाया था आपको काल, जिसको इंग्लिश में टेंस बोलते हैं, और आज हम शुरू करते हैं अव्यय और क्रिया विशेषण। आज मैं अव्यय का आपको विस्तृत रूप से समझाऊंगी कि क्या अव्यय होता है, क्रिया विशेषण नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, क्योंकि हिंदी व्याकरण में अव्यय का ही भाग जो है क्रिया विशेषण माना गया है। आई प्यारे बच्चों बात समझ में? तो सबसे पहले इसको अपव्यय मत बोलिएगा। कई बच्चों से मैंने इसका उच्चारण अपव्यय करते हुए सुना है, अपव्यय। ये अपव्यय और अव्यय में बहुत फ़र्क है, यानी जमीन आसमान का फ़र्क है। ये अपव्यय होता है फिजूल खर्ची, अव्यय होता है एक ऐसा शब्द जिसमें, जिसको आप किसी भी स्थिति में रख देंगे तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक। यहाँ तक आ गया समझ में? अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक के कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। विकार का मतलब होता है चेंजेज, ठीक। विकार का मतलब क्या होता है? चेंजेज। अब जिनमें लिंग मतलब स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, उसमें फ़र्क नहीं आएगा। वचन का मतलब आप समझ लीजिएगा, एक वचन हो, द्विवचन हो या बहुवचन हो, उसमें तब भी फ़र्क नहीं आएगा। पुरुष मतलब प्रथम पुरुष हो, मध्यम पुरुष का मतलब आप यहाँ पर लिंग से मत समझिए। पुरुष का मतलब मैंने अच्छे से आपको समझाया है कि प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष से इसका मतलब है। या कारक, या कारक, कारक का मतलब होता है जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ता ने करण को, इससे इनकी स्थिति में जहाँ भी वह शब्द होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो अपने मूल रूप में ही रहता है। अब आ गया यहाँ तक समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके उदाहरण हैं जब, तब, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर। हमारे स्कूलिंग तक तो यही सीमित है कि अव्यय क्या होते हैं, जिनमें कोई फ़र्क नहीं आता है, जिनमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। लेकिन आगे जब हम SSC, रेलवे या फिर कोई कंपिटेटिव एग्ज़ाम देते हैं, तो ये चीज़ नहीं पूछी जाती है आजकल। आजकल उसके भेद के अनुसार पूछा जाता है, ठीक। अब अव्यय के भेद होते हैं, जैसे हम कहते हैं कालवाचक अव्यय, स्थानवाचक अव्यय, दिशावाचक अव्यय, स्थितिवाचक अव्यय और क्रिया विशेषण अव्यय। मैंने आपको पहले भी बताया था ना, हिंदी व्याकरण में जो है, जैसे इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द के भेद, जो शब्द होता है, ठीक है, उसके भेद के, भेद की जो यात्रा है उसमें हम पहुंचे हैं अव्यय। इससे पहले मैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और काल आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको इन वीडियो से पढ़ना है तो आप पहले के वीडियोस देखिए, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हिंदी व्याकरण करके कॉलम बना हुआ है, उसको ओपन कीजिए, सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, ठीक। अब आते हैं हम अव्यय के भेद। मैंने बताया कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, स्थितिवाचक और क्रिया विशेषण, ये अव्यय का ही भेद बताते हैं हम यहाँ क्रिया विशेषण को, यानी इंग्लिश का जो एडवर्ब होता है, हम इसको जो है क्रिया अव्यय का भेद यहाँ पर बताते हैं। लेकिन वहाँ पर जो है इंग्लिश में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रनाउन, वर्ब, उसमें ये चीज़ें दोनों अलग अलग हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अभी क्रिया विशेषण में जो हमारा संबंधवाचक आता है, जो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन बोलते हैं, या फिर अधिकरण आता है, या फिर संबोधन आता है जिसको इंटरजेक्शन बोलते हैं, ये सब क्रिया विशेषण के भाग बताए हैं हमारे
हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इनको सबको अलग अलग किया है, ये डिफरेंट आप समझ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे बढ़ेंगे कि हम इनके अनुसार जो है शब्दों को छांटेंगे जो मेन हमारे पेपर्स में आते हैं। हमारे एग्जाम में आ गया मुझे मालूम नहीं, ठीक है, इसमें क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, अव्यय है, लो हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है। अब हमको अव्यय भी दिया है और क्रिया विशेषण भी दिया है, वहाँ पर जो है हमें क्या दिया है, सर्वनाम भी दिया है, एक हमारा लास्ट जो ऑप्शन बचता है उसमें लिखा होता है कि सर्वनाम और क्या है, अव्यय दोनों है, ठीक है। मुझे मालूम नहीं शब्द, मुझे मालूम नहीं शब्द क्या है, क्या है, ठीक है, इसमें किन किन चीज़ों का उपयोग हुआ है, आपके पास ऑप्शंस आए हैं, आएंगे, इसमें संज्ञा का उपयोग हुआ है, सर्वनाम का उपयोग हुआ है और अव्यय का उपयोग हुआ है, लास्ट में आएगा अव्यय और सर्वनाम दोनों का उपयोग हुआ है, तो आपने कौन सा ऑप्शन सही करना है, सर्वनाम और अव्यय दोनों का, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है ये कालवाचक अव्यय प्रदर्शित कर रहा है, दूसरा मुझे जो है इसमें सर्वनाम प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा, अब ये अब जो शब्द है ये हमें समय की एक सीमा बता रहा है कि अब ऐसा नहीं होगा, अब का उपयोग किसका, किसके साथ होगा, समय की उपयोगिता के लिए अब का उपयोग होगा, अब ऐसा नहीं होगा। अब ये तो हो गए कालवाचक सर्वनाम, कालवाचक सर्वनाम क्लियर हो गया कि जो समय की स्थिति को बताए, ठीक है, जो समय की स्थिति को बताए, सर्वनाम नहीं अव्यय, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, सर्वनाम नहीं अव्यय, अब जो हमारे समय की स्थिति को बताएगा उसको हम क्या बताएं, बोलेंगे कालवाचक अव्यय, ठीक है। वहीं जब हम स्थानवाचक अव्यय की बात करते हैं, स्थानवाचक अव्यय में स्थान का कहीं न कहीं स्थान का संबंध होगा, जैसे हम कहते हैं वह यहाँ नहीं आया, तुम जहाँ तुम हो वहाँ मैं, ठीक, वह यहाँ नहीं आया, ये यहाँ शब्द क्या यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है, ये स्थान प्रदर्शित कर रहा है, जहाँ वहाँ क्या प्रदर्शित कर रहा है, स्थान प्रदर्शित कर रहा है, साथ ही ये न संज्ञा है, न सर्वनाम है, न क्रिया है, न विशेषण है, ये अव्यय है, क्योंकि ये जो है मैंने बताया था इससे पहले कि यह लिंग वचन पुरुष के अनुसार नहीं बदलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अब लिंग बदल दूँ इसका, मैं कहती हूँ वह यहाँ नहीं आई, ठीक है, आया की जगह आई कर दी, लेकिन यहाँ तो वही रहा, यहाँ किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए ये अव्यय है। अब दिशावाचक अव्यय की जब हम बात करते हैं, तो जब हम कहते हैं किसी से तुम इधर आओ, मतलब उसको एक दिशा दे रहे हैं कि तुम इधर आओ, उधर बहुत शोर है, ठीक, हम किसी को सिग्नल दे रहे हैं कि नहीं नहीं उधर बहुत शोर है, तो ये एक निश्चित दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं इधर उधर, और ये इधर उधर शब्द कहीं पर भी नहीं बदलता है, ना तो ये लिंग के अनुसार, ना वचन के अनुसार, ना क्रिया के अनुसार, ना पुरुष के अनुसार, किसी के अनुसार नहीं बदलता है, इसलिए ये सबसे पहले अव्यय है। और अव्यय के जो भेद हैं उसमें कौन सा अव्यय है, दिशावाचक अव्यय है, बिल्कुल सरल है, इनको छांटना बिल्कुल सरल है। आप ध्यान दीजिए कि कहाँ पर, अब यहाँ पर बहुत ट्रिकी हो जाता है, मुझे मालूम नहीं ये स्थानवाचक है, दिशावाचक है, स्थितिवाचक है, लेकिन अब जब मुझे मालूम नहीं, मालूम किस चीज़ के लिए होता है, समय के लिए होता है, ठीक है, मुझे मालूम नहीं उस समय क्या हो रहा था, आगे जब हम जोड़ते हैं तो समय आता है, इसलिए ये कालवाचक अव्यय। अब आगे बढ़ते हैं स्थितिवाचक अव्यय, अब हम स्थिति बता रहे हैं, ठीक है, अब हम स्थिति बता रहे हैं, तो जैसे हम कहते हैं कि जरा गाड़ी दाएं मोड़ो, ठीक, अब आप सोचोगे कि मैम ये कह रही है कि इधर आओ को तो दिशा बोल रही है, कन्फ्यूजन आएगा आपके माइंड में, लेकिन यहाँ पर दाएं को दिशा नहीं बोल रही है, ठीक है, लेकिन दाएं को इसलिए
दिशा नहीं बोल रही हूँ कि ये दायां जो है स्थिति बता रहा है हमें, ठीक है, ये दिशा नहीं बता रहा है, हम दाएं मोड़ो कह रहे हैं तो हमारे वाहन की स्थिति बता रहा है। इसमें आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सोच समझ करके टिक कर दीजिएगा, ठीक है। वह ऊपर रहता है, वह ऊपर रहता है, स्थितिवाचक अव्ययी। अब मैंने कहा कि क्रिया विशेषण अव्ययी, ये क्रिया विशेषण जो है अव्ययी का एक पार्ट है। अब क्रिया विशेषण मतलब क्रिया तो हो रही है लेकिन उसकी विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसके पार्ट जो आएंगे वो आगे आएंगे, ठीक है। जैसे संबंध है, किसी का संबंध, जैसे मेज के पास कुर्सी है तो मेज का संबंध किसके पास हो गया, कुर्सी के पास हो गया, ठीक है। इसलिए मेज और कुर्सी आपस में संबंधित हो गई। इसका हम जो अध्ययन है वो नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके समझने में आसानी रहते हैं। अब मैंने इसको क्रिया विशेषण क्यों कहा, क्रिया है चलना, ठीक है। अब इस चलने की विशेषता कौन बता रहा है, ये शब्द बता रहा है जल्दी, यानी जल्दी चलो। सुंदर लिखो, अब इसमें क्रिया को छांटिएगा आप, क्रिया विशेषण है तो इसके जो इस ये जो शब्द है प्यारे बच्चों, जो ये शब्द है क्रिया विशेषण, इससे ही हमको पता लग जाता है कि वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। अब क्रिया क्या है, क्रिया को देखो, चलना एक क्रिया है, ठीक है, और लिखना एक क्रिया है। आप सुंदर लिखो, मैंने कहा सुंदर लिखो तो क्रिया की विशेषता क्या हो गई, सुंदर लिखावट, तो ये क्रिया विशेषण अव्ययी हो गया। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक से, अगर ये अव्ययी टॉपिक से आपके पास कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। और स्वस्थ रहिएगा, खूब मेहनत कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। जय हिंद, जय भारत।